मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर के बाद एक्शन में आई रीवा पुलिस, लगभग 50 लोगों पर की गई कार्यवाही। रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर में पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई इस बैठक में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और छेड़छाड़ की घटनाओं पर चिंता जताते हुए फटकार भी लगाई गई। मुख्यमंत्री के इस सख्त तेवर के बाद रीवा पुलिस एक्शन में आई और चौराहों में आवारागर्दी करते, दुकानों में खड़े होकर लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा महिला की सुरक्षा को लेकर कोड रेड मोबाइल चलाई जाएगी, जिसमें महिला पुलिस रहेगी और इससे महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को भी रोका जाएगा। इस बारे में उप पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने हमें बताया। ये प्रायः देखने में आ रहा है कि रोज शाम को करीब जो दारू पीते हैं, कोरेक्सगिरी करते हैं, ये रास्ते में बैठ करके ये लोग ये सब काम करते हैं और वहाँ से जब महिलाओं का जहाँ आवागमन होता है तो उनके साथ छेड़छाड़ की घटना को भी कारित करते हैं। तो इन सभी के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिससे कि इस तरीके की महिला संबंधी अपराधों को रोकथाम आ सके। और इस चीज़ के लिए अब से एक कोड रेड नाम की मोबाइल जो है चलाई जाएगी, जिसमें कि महिला आरक्षक मोटरसाइकिल पर जो है भ्रमण करेंगे। सुबह जो है वो 9 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक लगातार शहर में भ्रमण में रहेंगे। इनका कार्य ये रहेगा कि कहीं पर भी यदि महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होता है या फिर कोई सूचना मिलती है तो तुरंत वहाँ पर ये महिला आरक्षक पहुँच करके तुरंत कार्रवाई करेंगे।